लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। इंदौर में रहकर एसआई परीक्षा की तैयारी कर रहे युवक ने फांसी लगा ली। मृतक खरगोन निवासी है, यहां लिंबोदी के गंगा विहार कॉलोनी में अपने 5 दोस्तों के साथ रूम लेकर रह रहा था। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के लिंबोदी स्थित गंगा विहार कॉलोनी में रहने वाले रवि नामक युवक ने सोमवार शाम फांसी लगा ली। युवक खरगोन का रहने वाला था और अपने 5 दोस्तों के साथ रूम लेकर इंदौर में रह रहा था। सभी दोस्त एसआई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों के अनुसार सोमवार सुबह रवि लाइब्रेरी नहीं आया। शाम को जब घर लौटे तो उसे पंखे पर झूलता हुआ पाया। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची तेजाजी नगर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। दरअसल युवक 15 दिन पूर्व ही अपने घर से इंदौर लौटा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। ये मैटर कल शाम को हमने 7:30 बजे देखा लाइब्रेरी से आने के बाद। ये कल लाइब्रेरी आने के बाद आया था। क्या कर लिया? ये पंखे से लटका हुआ था। जब हमने गेट नॉक किया नहीं खुला, फिर खिड़की में से देखा तो लटका हुआ। काय की तैयारी कर रहे थे? एमपीएससी। अच्छा, कोई पहले कोई जेल पेरी में सिलेक्शन हुआ क्या? पेरी में सिलेक्शन हुआ। अच्छा, रेटिंग आ गई थी 23। अच्छा, और क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ, फिर अभी काय की तैयारी कर रहे हो? वही एमपीएससी की। कुछ बताया? कोई परेशानी नहीं? नहीं, कुछ नहीं। रवि पिता बंसिल मेघवाल, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम अम्बा, जिला खरगोन का रहने वाला है। अभी पिछले 2 साल से ये लिंबोदी गंगा विहार लिंबोदी में निवासरत था और पढ़ाई कर रहा था। तो कल हमको सूचना मिली, इसके रूम पार्टनर ने सूचना दी आके थाने पे कि हम लोग लाइब्रेरी गए हुए थे, ये रूम में हमने आके देखा, ये अंदर से दरवाज़ा बंद था तो हमने आवाज़ दी, इसने आवाज़ दे के दरवाज़ा नहीं खोला तो खिड़की में से झांक के देखा तो ये पहले वाले कमरे में पंखे से फांसी पर लटका है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।